देखो हम फ्लक्स के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, फ्लक्स के ही कुछ एग्जांपल्स को और कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लक्स का पहला एग्जांपल है आज का कि सपोज आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब है और जिसके अंदर आपको क्या गिवन है, एक चार्ज गिवन है, पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज कहाँ पर गिवन है? पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब। तो पॉइंट चार्ज को हमने कहाँ रख दिया? क्यूब के सेंटर पे रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये। आगे क्या निकालना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सिक्स फेसेस। हमने किया ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कि अगर क्यूब के सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो वो स्मॉल क्यू चार्ज हर तरफ क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लगाएगा, राइट? ऐसे ही है, और हर फेस पे बराबर लगाएगा। तो कितने फेसेस हैं क्यूब के? 6। तो 6 फेसेस का फ्लक्स कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का क्या होगा? 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अब क्यूब का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने स्मॉल क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा ही नहीं, आपने स्मॉल क्यू चार्ज को कहां पे रख दिया? इस कोने पे रख दिया, क्यू वर्टेक्स पे रख दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? ईच फेस का फ्लक्स निकालना है। अब स्मॉल क्यू चार्ज कोने पे है, क्यूब के अंदर नहीं है। क्यूब के अंदर होता तो पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होता? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब के बिल्कुल वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है और आपको एक फेस का क्या निकालना है? इसकी फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। अब मैं ई डॉट डी एस ऐसे क्वेश्चन में लगा नहीं सकता। गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लोज्ड बॉडी चाहिए। क्लोज बॉडी ये कहीं से है नहीं। क्यूब आपको के क्लोज बॉडी है तो है, क्लोज बॉडी तो है, पर स्मॉल क्यू चार्ज उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ। अगर अंदर पड़ा होता फिर तो मैं लगा लेता क्यूब एप्सिलॉन, उसके इनसाइड पड़ा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर क्यू चार्ज कोने पे पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे ये रहा, मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है कोने पे, ठीक है? आप अगर गॉस थ्योरम लगाना चाहते हो तो आपको क्यू चार्ज को इनसाइड लेना पड़ेगा, चाहे वो इमेजिनरी सरफेस बनाओ, वो आप देखो क्या बनानी है। इसके हवा में अगर आपने इमेजिन भी करना है तो आप इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इमेजिन करने में, लेकिन आपको सिमेट्री में बनानी पड़ेगी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये आपके पास क्यूब चार्ज कोने में पड़ा हुआ है तो आप इस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दें, क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दें, क्यूब के साइड पर एक और क्यूब रख दें, यहाँ पर इसके ऊपर भी एक और क्यूब रख दें, तो कितने क्यूब्स हो गए? 4। एक इसके ऊपर, 2, 3 इसके ऊपर, 4। जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, ये देखो, ये मैंने 2 क्यूब्स ले लिए, मेरा चार्ज स्मॉल क्यू कहां पड़ा है? यहां पड़ा है। तो मैंने एक और क्यूब यहां पर रख दिया। अब स्मॉल क्यू कहां पड़ा है? ये कोने पे पड़ा है, राइट? तो मैंने 2 क्यूब्स और लिए, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, तो 4 दिख रहे हैं आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, 4, 1, 2, 3 और 4। अब स्मॉल क्यू कहाँ पड़ा हुआ है? इन चारों के इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे ओपन टू स्काई, अभी छत है नहीं इसके ऊपर कोई भी, मतलब चारों के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर पे, राइट? एक काम करो, 4 क्यूब और लो, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तो कितने क्यूब हो गए? 8। अब स्मॉल क्यू कहाँ दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली 8 क्यूब के सेंटर पे। इमेजिन कर पा रहे हो? 1, 2, 3 और 4। तो स्मॉल क्यूब भी टॉप पे पड़ा हुआ है, 4 इसके ऊपर और रख दो, तो 8 के बिल्कुल सेंटर पे स्मॉल क्यूब चार्ज पड़ा हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये 8 क्यूब की एक बॉडी है और स्मॉल क्यूब उसके इनसाइड है, बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो 8 क्यूब्स का टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई 8 क्यूब्स के सेंटर पे, के अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर पे, तो उन 8 क्यूब्स का फ्लक्स क्या होगा? क्यूब ऑन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? ठीक है, यस सर, ठीक है। तो 8 क्यूब्स के लिए मैं लिख लेता हूं यहां पर, फॉर 8 क्यूब्स, यहां लिख देता हूं, फॉर 8 क्यूब्स फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? क्यूब ऑन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का फ्लक्स क्या आएगा फिर बताओ? एक क्यूब का फ्लक्स बोलो क्या आएगा? 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 8 क्यूब्स का क्या हो गया? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का क्या होगा?
क्यू बाई एप्सिलॉन बाई 8, तो एक क्यूब का आ गया। कोई डाउट इसमें? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्यूब के बिल्कुल कोने पे चार्ज पड़ा हुआ है क्यू और वो पूछे पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है, तो आंसर क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 8। समझ में आ रहा है कैसे? पहले इमेजिनरी दुनिया में क्यूब 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 ले लिया 8, फिर बोल दिया 8 क्यूब्स का क्यूब एप्सिलॉन, फिर एक क्यूब का निकालने को बोलेगा तो क्यूब एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 8। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? ठीक है, मैंने क्या लिखा? दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ होल क्यूब, एक क्यूब का आ गया आंसर। पर मुझे एक क्यूब का निकालना कहाँ है? मुझे तो एक फेस का निकालना है। एक फेस का कब? अगर क्यू चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है? एग्जैक्टली इसके कोने पे। मुझे एक फेस का निकालना है, फ्लक्स क्या होगा? हाँ, मुझे ये पता है कि इस छः फेसेस का कितना आ गया। अगर क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो छः फेस का मतलब एक क्यूब। एक क्यूब का क्या आ गया? 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है? मुझे पर फेस निकालना है, एक फेस का निकालना है, छः फेस का आ गया। आप मुझे एक चीज़ का आंसर दो, जो लाइन्स हैं, राइट, जो लाइन्स हैं वो कैसे पास होंगी? इमेजिन करो, लाइंस ऐसे पास होंगी, मानते हो, जैसे ये बना हुआ डायग्राम ऊपर देखो, लाइंस ऐसे पास होंगी जैसे दिखा रहा हूँ मैं हर तरफ। और हाँ, इस पूरे क्यूब का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, 1/8 क्यूब एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब मुझे एक फेस का निकालना है, पर फेस। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है तो लाइन कहाँ से पास करेगी? देखो, जो हवा में चली गई ये तो क्यूब के फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, यानी जो हवा में चली गई वो क्यूब के फ्लक्स में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी? वो नहीं करेगी, डन। लेकिन जो क्यूब के ऊपर से या क्यूब के अंदर से निकल गई वो तो कंट्रीब्यूट करेगी। तो सोचो, कुछ लाइंस इसकी सरफेस पे चली गई, इसकी छत से टच करते हुए टेंजेंट चली गई। मान लो ये वो लाइंस हैं जो इसकी छत से टच करके टेंजेंट जा रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि छत के ऊपर से जा रहे, और एरिया वेक्टर कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू दी एरिया। छत पे लाइन जहाँ से मर्जी जाए, एरिया वेक्टर के साथ हमेशा एंगल क्या बनेगा? 90। देखो, छत पे, इसकी छत पे क्यूब के और इलेक्ट्रिक जो जो एरिया वेक्टर है उसमें तो एंगल 90 बनेगा। तो यानी कि इस छत का फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। ई डॉट डी एस में ई डी एस कॉस 90 क्या होगा? जीरो। क्योंकि जब ई में और डी एस में एंगल 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो यानी कि अगर क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा होगा तो इसकी छत का फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ऐसे ये भी नहीं करेगा, बिल्कुल जो एडजेसेंट एरिया है ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं, और इसके पीछे वाला एक और है वो भी नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्यूब है, ये देखो ये मेरा क्यूब है, ये चार्ज है, तो कुछ लाइंस इसकी छत से पास हो रही हैं, एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या है? 90। तो इसका फ्लक्स जीरो, राइट। ऐसे कुछ लाइंस इसके ऊपर पास होंगी, देखो जो हवा में चलेगी उसको तो देखो मत, वो तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। जो ऐसे जा रही हैं, ये देखो ऐसे जा रही हैं, उसका एरिया वेक्टर के साथ एंगल फिर से कितना? 90। तो इसका फ्लक्स भी जीरो। अच्छा, इधर से ये देखें, जो लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल इसका भी 90, तो इसका भी फ्लक्स जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। लेकिन जो पीछे के तीन फेस हैं उनमें थोड़ा ना, उनमें तो किसी भी एंगल पे जाएंगी लाइंस, तो इन तीनों का जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर क्यू चार्ज बिल्कुल कोने पे पड़ा हुआ है तो बिल्कुल एडजेसेंट तीन फेसेस का फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जीरो। मानते हो इस चीज को? क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये पूरे के पूरा इस क्वेश्चन के अंदर पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या आया था? 1/8 क्यूब बाय कब, जब चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है? कोने पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही था। अभी चार्ज अंदर पड़ा होता तो फिर क्यूब बाय एप्सिलॉन बाय 6 आंसर आ ही गया था, पर यहां पर तो कोने पे पड़ा हुआ है तो पूरे क्यूब का आंसर ये आ गया। अब पूरे क्यूब में से हमें लगा था कि 6 फेस का ही आंसर आया, नहीं 6 फेस का नहीं आया, उनमें से 3 फेस का तो जीरो है, तो कितने फेसेस का आया? 3 फेस का। तो बचे हुए 3 फेसेस का फ्लक्स कितना है? इतने। तो एक फेस का फ्लक्स क्या होगा? 3 को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 1/24। आंसर 1/24 क्यूब एप्सिलॉन नॉट है इसका आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पहले मैंने क्या किया, देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। क्यू चार्ज अगर इस क्यू के सेंटर पे होता फिर तो बिल्कुल क्लियर था कि पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होता? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 6 फेसेस का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पर फेस 1/6 हो जाता, बात खत्म। क्लियर है? लेकिन अगर कोने पे पड़ा हुआ है, कोने पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो नहीं पड़ा, तो अगर कोने पे पड़ा हुआ है
तो मुझे पहले और क्यूब रख के इसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज बॉडी बनानी पड़ेगी, तो मेरे को ऐसे कितने क्यूब लेने पड़े, 8। तो 8 क्यूब्स का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट बाई 8, तो 1 क्यूब का आ गया। अब उस 1 क्यूब में से भी इसका 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 फ्लक्स 0, तो बचे कितने, 3 फेज। तो यानी कि कुल मिला के 3 फेजेस का इतना, तो 1 फेज का डिवाइड बाई 3 आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो कैसे आपने सोचना है क्यूब की प्रॉब्लम? ठीक, तो ये ना सोचना, या अब ऐसे भी सोचना पड़ेगा, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, पहले हवा में क्यूब बनाऊंगा, उसको बंद करूंगा, फिर पर फेस भी सोचूंगा। नहीं नहीं, ऐसे एक ये एक या दो एक एक दो क्वेश्चंस ही हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि आप सोचोगे पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चंस ही ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्यूब का तो इकलौता यही क्वेश्चन है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको यहाँ तक? ठीक, अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पी, ओके, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग कंडक्टर है, यानी कि इंडक्शन लग सकती है, तो दो स्फीयर्स हैं, फॉर क्लोज सरफेस फ्लक्स विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव। कौन सी सरफेस? अच्छा, ये डॉटेड डॉटेड क्लोज, सॉरी, दो स्फीयर्स नहीं है, एक ही स्फीयर है। तो ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और चार्ज कहाँ पर है? ये चार्ज है पी। तो मैंने पी पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा? मैंने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया पी पॉइंट पे, राइट? तो मैंने, ये रहा मेरा पी पॉइंट, और पी पॉइंट के ऊपर मैंने कौन सा चार्ज रखा? पॉजिटिव चार्ज रखा। क्लियर है यहाँ तक? तो पी पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो बाय इंडक्शन यहाँ पर कौन सा, ये इस स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो बाय इंडक्शन यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर है? अब मैंने जो क्लोज सरफेस ली, वो क्लोज सरफेस कहाँ ली? मैंने क्लोज सरफेस ये ली, ये मेरी इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, प्लीज ये इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज बीच में आ गया? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। सोच रहे हो, सोच रहे हो इतना टाइम, इस क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय, तो ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव जो इसके अंदर फंस गया है? तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो यहां पर पॉजिटिव फ्लक्स होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, थ्योरी से हटके नहीं है कुछ न्यूमेरिकल्स, अलग सा ही कुछ कॉन्सेप्ट चलने लग गया है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये आपका हेमिस्फीयर है, ढक्कन है उल्टा, और क्यू चार्ज को कहां पर रख दिया हमने? क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ओके, ये क्यू चार्ज है, ये लो, ये आपका क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू चार्ज को रख दिया कहां पर रखा? सेंटर पे रखा। अ सेकेंड चार्ज बड़ा क्यू, ओके, बड़ा क्यू भी है, इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशंस ए बी सी डी, कह रहे ये ए पोजीशन है, यहां पे रखा बड़ा क्यू, ये बी पोजीशन है, फिर यहां पे रखा बड़ा क्यू, फिर डी पोजीशन है, यहां पे भी रखा, और फिर यहां पे एक एक करके रखा, पहले यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, और यहां रखा। टेस्ट कर रहे हैं कुछ, एक एक मैंने चार बना दिए, चार नहीं है, एक ही चार्ज है। तो पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर यहां पे, ठीक है। यहां तक क्या कह रहे हैं? इन विच पोजिशन या पोजिशन ऑफ दिस सेकेंड चार्ज, कह रहे बताओ ए बी सी डी में से क्या पोजिशन हो, क्या ए बी सी डी में क्या आंसर होगा? द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, कह रहे कि कैपिटल क्यू को मैं रखूं, और कैपिटल क्यू रखने के बाद वो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट ना करे, ठीक। आप मुझे पहले ये बताओ कि पहले मैं चलो इसे रखता ही नहीं, पहले सिर्फ कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है इसमें? क्यू, क्यू पड़ा हुआ है। क्यू चार्ज की लाइंस कैसी बनेंगी? ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, और ये भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो क्या स्मॉल क्यू हेमिस्फीयर के फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? वैल्यू नहीं पूछ रहा, हाँ या ना, क्या ये इसका फ्लक्स काउंट होगा या नहीं होगा, क्या इसका स्मॉल क्यू का फ्लक्स काउंट होगा या नहीं होगा? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं। होगा, होगा, कितने लोग कहते हैं कि होगा, होगा, कितने लोग कहते हैं नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो होगा,
होगा तो मुझे दिख रहा है लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो होगा, और लाइन एक बार क्रॉस कर रही है क्योंकि नीचे से ओपन है, बंद नहीं है ये, नीचे से ओपन है ये, तो एक बार ये लाइन क्रॉस कर गई, एग्जिट कर गया, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। जीरो क्यों माइंड में आया, कि आपको ऐसा लगा कि ये एक बार एंटर कर रहा है फ्लक्स, एक बार आउट हो रहा है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ओपन है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा जीरो तब होता अगर ये यहां से क्या होता, बंद होता, और क्यू चार्ज इसके बाहर पड़ा होता, तो एक बार एंटर करती लाइन और एक बार क्या करती, एग्जिट करती, तो फिर इसका फ्लक्स जीरो होता। पर क्योंकि ये इसके अंदर तो ओपन ही है, तो इस लाइन ने एक ही बार इसको क्रॉस करना है आउटवर्ड, तो फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन समझो, वो कह रहा है जितना भी फ्लक्स है अपने पास रखो, ये बताओ कि मैं इसमें कैपिटल क्यू को कहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, ताकि जो इसमें एग्जिस्टिंग फ्लक्स है वो चेंज ना हो, जितना भी फ्लक्स है उसकी वैल्यू के कोई मैटर नहीं करता। तो जो भी इसमें फ्लक्स है, जो जो इसमें चल रहा होगा स्मॉल क्यू की वजह से, उसमें क्या कैपिटल क्यू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, या अच्छा बताओ अगर मैं यहां रखता हूं बी पॉइंट पे, तो क्या ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कैपिटल क्यू, क्या इसमें फ्लक्स को चेंज करेगा, हाँ या ना? नहीं करेगा। ऐसा क्यों लगा आपको नहीं करेगा? क्योंकि ये आउटसाइड है, पर आप भूल गए ये ओपन स्फीयर हेमिस्फीयर है, ये क्लोज है ही नहीं। ये देखो जब मैं लाइन खींचूंगा तो वो एक ही बार इसे कट करेगी, ये तो ओपन है, तो ओपन में तो कट हुआ ही नहीं, क्लोज्ड होता फिर जाते हुए कट करता हुआ जाता, ये तो ओपन है, और ओपन है तो एक बार कट कर गया भाई, जैसे इसने फ्लक्स लगाया ऐसे इसे भी फ्लक्स लगाया। तो अगर मैं कैपिटल क्यू को यहां रखता हूं तो मेरे हिसाब से ये अब भी इसे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा फ्लक्स को। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैपिटल क्यू तो बाहर है फिर कैसे कंट्रीब्यूट कर गया। देखो दो केस हैं, पहला केस इसको ना बंद कर दो, ये मेटल का हेमिस्फीयर है, नीचे से भी मेटल है ऊपर से भी मेटल है, नाउ दिस इज अ क्लोज्ड बॉडी। हाँ, अगर मैं कैपिटल क्यू अब यहां रखता हूं, नो डाउट ये एंटर कर गया, लाइन एंटर कर गई हेमिस्फीयर में, और अब वही लाइन क्या कर गई, इसे एग्जिट कर गई, यहां इसने काटा इसे, यहां भी काटा इसे, जीरो, नेट फ्लक्स जीरो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि यार ये तो हवा है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर एक बार जब कैपिटल क्यू को आपने यहां रखा तो इसका फ्लक्स काउंट हुआ? आप कहोगे सर एग्जिट हो गई, नहीं एग्जिट नहीं हुई ना, एग्जिट का कट तब मानते जब ये क्लोज बॉडी होती, ये क्लोज बॉडी है ही नहीं। अब अगर ये क्लोज बॉडी नहीं है तो एक ही बार एंट्री मानी जाएगी, एग्जिट तो माना ही नहीं जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? फिर आप कहोगे सर हो सकता है ये लाइन यहां से यहां आई, देखो दो बार कट कर गई, हाँ बिल्कुल ठीक, इस लाइन का फ्लक्स यहां पर क्या काउंट होगा, जीरो होगा, सही है, इसका भी इसका काउंट नॉन जीरो होगा। तो जो मेटल का जो बना हुआ हेमिस्फीयर है, जो मेटल की बॉडी है, एक्चुअल बॉडी, हवा में नहीं, जब उसको दो बार वो कट कर जाती है फिर नेट फ्लक्स जीरो होता है। पर अगर आप बॉडी को ओपन कर दोगे फिर थोड़े ना कोई ये थोड़े ना कि निकल गई तो फिर उसका काउंट नहीं होगा, कट करना जरूरी है बाउंड्री को, जब बाउंड्री नहीं है तो कट नहीं है। तो इसलिए जब आप कैपिटल क्यू को यहां रखेंगे तो लाइन जब एंटर करेगी तो फ्लक्स काउंट होगा इसमें, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? हाँ, लेकिन अगर ये यहां बंद होता तो फिर फ्लक्स काउंट नहीं होता, फिर आप कह सकते थे कि चार्ज आउटसाइड है और ये फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैपिटल क्यू को यहां रखूं तो वो क्या फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? करेगा, करेगा, लाइन एंटर कर गई, एग्जिट में जगह ही नीचे, कट का मारेगी, मारेगी नहीं कट, तो बिल्कुल काउंट करेगा, राइट? अच्छा, फिर यानी कि ना तो बी आंसर होगा ना डी आंसर होगा, क्योंकि बी और डी में तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्लक्स का, फ्लक्स इज चेंजिंग। फिर यहां रखें ए पे, अब ए पे जब रखते हैं, जब ए पे रखते हैं ना, ये इसे एक बार कट करती है और फिर दूसरी बार जाती हुई भी कट करती है, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाया, एक बार बिल्कुल कोने पे कट करती है, दूसरी बार फिर कोने पे कट करती है, तो इस लाइन का फ्लक्स जीरो, ओके। फिर एक बार फिर से कट करती है, कट करती है, तो फिर से एक बार इसका फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो। तो जो मर्जी कर लो, इसने दो बार कट करना ही करना है। कोई कहता सर एक केस बनता है, मैंने कहा क्या? कहता टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो कट एक बार हुआ, टेंजेंट कभी भी अंदर नहीं माना जाता बॉडी के, टेंजेंट हमेशा
बाहर माना जाता है तो वो तो फ्लक्स में वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अगर चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है तो वो दो बार उसकी लाइनें कट करेंगी करेंगी, तो ये पॉइंट पर अगर आपने चार्ज को रख दिया तो इस चार्ज का रखा हुआ फ्लक्स में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर यहां पे रखोगे, सेम केस, दो बार कट किया, दो बार कट किया, दो बार कट किया, दो बार कट किया, तो चाहे आप यहां रख लो सी पे, चाहे आप ए पे रख लो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, अदरवाइज फ्लक्स में चेंज आएगा। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, तो वो यही पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या पोजीशंस हैं कि अगर मैं कैपिटल क्यू को रखूं कि वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ना करे, तो एक आंसर क्या होगा, ए, और एक क्या होगा, सी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है ये लो, ये ना ध्यान से देख लो, यहां कंफ्यूजन होती है और ये आ जाता है क्या, वाइल कैलकुलेटिंग फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, फ्लक्स किसका कर रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस का। आपको इसमें क्लोज सरफेस कहां दिख रही है, डॉट 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 डॉट, ये क्लोज सरफेस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। फ्लक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कौन कौन से चार्जेस करेंगे बोलो, एक कौन करेगा, Q1, दूसरा क्या करेगा, माइनस Q1, क्या Q2 करेगा, फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन में क्या Q2 करेगा, नहीं करेगा, जब मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा तो Q2 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, डन। व्हाइल कैलकुलेटिंग फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, उसने ये थोड़ी ना पूछा कि फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, उसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो बोलो अगर मेरा मन करता है कि मैं तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, यहां पे चलो मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाहता हूं, तो यहां पर क्या रखूं, चार्ज प्लस वन, चार्ज प्लस वन, आप भूल जाओ आपको फ्लक्स आता है, फ्लक्स नहीं आता, सुना ही नहीं आपने दुनिया में फ्लक्स है, वापस बी चैप्टर पे आ जाओ। अगर मैं कहूं कि यहां प्लस वन है, यहां ई निकालो, तो क्या रूल है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये प्लस क्या करेगा, रिपेल, तो नेट वेक्टर यानी कि तीनों के तीनों चार्जेस अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन इसके ई में कंट्रीब्यूट करेंगे, मानते हो ये चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसमें थोड़ी ना देखते हैं कि उस बंद बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, हम तो गॉस थ्योरम में लगाते हैं कि बंद बॉडी में कितना चार्ज है, लेकिन ई के कॉन्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में सारे चार्जेस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो आउटसाइड है चाहे वो इनसाइड है। बोलो, हाँ, तो गॉस ने किया ना, गॉस ये कहता है कि ये गॉस फ्लक्स कैलकुलेशन में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, पर गॉस ने कभी नहीं कहा कि ये ई में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। गॉस कहता है यार ये ई लगाता है, क्यों नहीं लगाता, ये देखो ई लगाता है, ये लाइन आई, देखो इलेक्ट्रिक लाइन आई, हाँ वो अलग बात है कि आई और गई, पर ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो आई है ना, तो उसने ये तो नहीं कहा कि ई में कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो अलग बात है, बिकॉज ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपस में कंपोनेंट्स क्या कर जाते होंगे, कैंसल, वो कैंसल ऐसे करते होंगे कि इसका अफेक्ट फ्लक्स में नहीं आता होगा, पर अदरवाइज ई में तो इसका अफेक्ट आता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब आप, वो कह रहा है कि जब आप इसमें फ्लक्स निकालेंगे, और मान लो आपने फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो ई फ्लक्स की कैलकुलेशन में जो ई यूज हो रहा है उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीनों के तीनों चार्जेस कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इसका जो फाइनल आंसर आता है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनसाइड के चार्जेस पे। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन में जो ई यूज होता है उसमें तीनों चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ अंदर के चार्जेस आएंगे, बाहर का चार्ज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जब इसकी डेरिवेशन की जाएगी तो ई में तीनों चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, फ्लक्स की कैलकुलेशन में जब ई डॉट डी एस है उसमें भी ई में भी सारे चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? नेक्स्ट है, खत्म हो गया 14 के बाद, शीट नंबर 15।
ओके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में शीट नंबर 15. एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लो इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू और चार्जेस गिवन है 2 × 10⁻¹⁸ कूलम सेपरेटेड बाई 2 mm. तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 mm. ठीक है 2 mm है, क्लियर है यहाँ तक. तो इनके बीच में डिस्टेंस 2 mm है और कहाँ पर पड़े हुए हैं, एक इनफाइनाइट वायर के सामने पड़े हुए हैं. तो एक्चुअल इसका जो डायग्राम है वो ऐसा होना चाहिए, ये इनफाइनाइट वायर है ये रहा और ये एक डायपोल पड़ा हुआ है. इनफाइनाइट वायर के सामने एक डायपोल पड़ा हुआ है. इट इज प्लेस नियर अ लॉन्ग वायर जिसका लैम्डा आपको गिवन है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर में रिजल्ट किस फॉर्म में आया था, लैम्डा की फॉर्म में आया था. गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन थी आपको याद होगा राइट. तो तैयारी करके आए हो गॉस थ्योरम की आज? अच्छा ठीक है, ट्यूसडे को होगा टेस्ट वैसे, तो ट्यूसडे को लेंगे न्यूमेरिकल के साथ. ठीक है तो क्लियर है यहाँ तक. लैम्डा की वैल्यू, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल. आप मुझे एक बात बताओ कि ये वायर इसके ऊपर क्या लगाएगी, ई लगाएगी. ये वायर इसके ऊपर ई लगाएगी, ये वायर इसके ऊपर भी क्या लगाएगी, ई लगाएगी. अब पहली प्रॉब्लम क्या है कि इनफाइनाइट वायर अपने आसपास ई लगाती क्या है. तो आप गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन प्लीज चेक करें. तो पहला रिजल्ट क्या आया था, ये आया था, खोल के देख लें बुकलेट. एप्लीकेशन नंबर 1 का फॉर्मूला यही था इनफाइनाइट वायर का, चेक करो. तो 1/4 π ε₀ 2 λ/r, इसको याद करना है. फॉर्मूला का रजिस्टर लगाया आप लोगों ने, उसमें लिखा, ये फॉर्मूला लिखा होगा अपने हाथ से, देखा लगता होगा, 1/4 π ε₀ 2 λ/r राइट. आर का मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर. ठीक है यहाँ तक. तो मुझे एक बात बताओ कि इस वायर से ये आर, पहले चार्ज का आर कितना है 2 cm, इस वायर से दूसरे चार्ज का आर कितना है 4 cm. तो ये बताओ क्या ई की वैल्यू इस वायर के लिए, इस वायर ने जो यहाँ ई दिया और जो यहाँ ई दिया, क्या वो बराबर होगा कि डिफरेंट? डिफरेंट क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट. आर डिफरेंट है तो ई भी तो डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर आर पुट करेंगे 2 cm, यहाँ पर आर पुट करेंगे 4 cm, तो यहाँ पर ई, अच्छा 2 mm, ओके सॉरी. तो यहाँ पर पुट करेंगे आर 2 cm, यहाँ पर पुट करेंगे 2 cm प्लस 2 mm. तो जो भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.02 cm, 2.02 cm. क्लियर है यहाँ तक. तो आर दोनों का डिफरेंट हो गया तो ई की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट. डाउट इसमें? ठीक. तो क्लियर है यहां तक. तो E1 E2 आ गया. अब E की वैल्यू की डायरेक्शन क्या होगी बताओ. जो यहां E लगेगा, जो इस पॉइंट पर E लगेगा, इस पॉइंट पर जो E1 लगेगा, वो डायरेक्शन कहां होगी E की, बोलो. राइट की लेफ्ट, ऊपर की नीचे? यहां पर E की डायरेक्शन कहां लगेगी? अट्रैक्टिव. यहां पर ये इसके ऊपर E क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, मतलब क्या होगा, E क्या होगा, दोनों साइड्स कैसे लगेगा? ना ना, मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूँ पहले, पहले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. ओके अच्छा, फोर्स कहाँ लगेगी, चलो ये बताओ फोर्स. ओके फोर्स की बात कर लें. फोर्स क्या होगी, प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, सही है. और ये प्लस प्लस को क्या करेगा, बना हुआ है. तो F1 F2, तो इस F1 की वैल्यू क्या होगी, क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यू माइनस लेना, इनटू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1. और यहां पर F2 क्या होगा, Q इंटू जो भी E की वैल्यू आएगी, कितनी, E2. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? E1 E2 निकाल के Q इंटू E1 Q इंटू E2 F की वैल्यू आ जाएगी. फिर बड़ी फोर्स में छोटी फोर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट. बड़ा कौन होगा फोर्स में, F1 की F2? F1 क्यों, क्योंकि वो ज्यादा पास है, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी राइट. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो E का फॉर्मूला, फोर्स की जगह जो भी चार्ज है 2 × 10⁻¹ वहाँ पर -8, और E की जगह 1/4 π ε₀ 2 × λ, लैम्डा गिवन है 4 × 10⁻⁴, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना ये रही. और R की जगह 2 cm, 2 cm का मतलब 2 × 10⁻², क्या है पॉइंट क्लियर है.
तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करके क्या आएगा 7.2। उसी तरीके से उस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी q इंटू क्या लगेगी, E2। तो चार्ज तो वही डायपोल का पता है 2 × 10⁻⁸, और E की वैल्यू 1/4 πε₀ 2 × λ, λ वही, और डिस्टेंस 2.2 हो गया, हाँ सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर और 2 mm, 2 mm क्या होता है, 2.2 सेंटीमीटर होता है, तो 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व करके क्या आ गया F2। तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर दिया, माइनस नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के क्वेश्चन आएंगे, कैसे अब पुराने रिजल्ट F=QE और लाइन चार्ज के रिजल्ट को मर्ज कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, कितनी वायर्स गिवन है, इनफाइनाइट, दो लाइंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल वायर्स हैं, तो इसमें लैम्डा वन लैम्डा टू डेंसिटीज गिवन है और दे आर डी डिस्टेंस अपार्ट। तो वो क्या कह रहा है कि टू लॉन्ग वायर डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन डी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट लेंथ, फोर्स ही निकालनी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स निकालनी है, डिफरेंस है, फोर्स न्यूटन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर है, राइट। ड्यू टू चार्ज ऑन अनदर, भाई इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई वो फोर्स ही निकालनी, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, या फिर उल्टा वाइस वर्सा, इसने इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, फोर्स ही निकालनी, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने आपको दो पैरेलल वायर्स जिसका लैम्डा वन लैम्डा टू आपको गिवन, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो मैंने आपको दो वायर जिसका इनफाइनाइट वायर जिसका लैम्डा वन लैम्डा टू गिवन है, इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं करवाया। हम बनाएंगे इस फॉर्मूले को, कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे कि एक बात बताओ कि अगर मान लो ये फर्स्ट वायर है, पहली वायर है, इस वायर का लैम्डा लैम्डा वन है, तो ये वायर इसके डी डिस्टेंस दूर कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी क्या लगाएगा, E1 लगाएगा, और E1 क्या लगाएगा, 1/4 πε₀ 2 × λ₁/d, ऐसे होगा ना, एक इनफाइनाइट वायर अपने डी डिस्टेंस दूर क्या ई लगाती है, ये ई लगाती है, कोई डाउट इसमें, राइट, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है किसकी, दो सेकेंड वायर की, जो वायर नंबर टू है उसकी अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो मैं एक काम करूं, अगर यहाँ पर चार्ज है क्यू, मुझे पता नहीं जो भी चार्ज है क्यू, अगर मैं क्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ E1 के साथ, तो मेरे पास क्या आती है, फोर्स। पर अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को E से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। भाई अगर मैं फिर से देखो एक बार, F क्या होता है, क्यू इन टू ई, राइट, अगर मुझे फोर्स ही निकालनी, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो दोनों साइड्स को किससे डिवाइड कर दे, लेंथ से, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स किस पे निकालनी है, वायर नंबर टू पे निकालनी है, तो चार्ज भी, चार्ज पर यूनिट लेंथ किसका लेना पड़ेगा, वायर नंबर टू का, पर ई कौन लगाएगा उस पे, देखो एक वायर खुद अपने ऊपर कभी ई नहीं लगाती, नॉट डिफाइंड, एक वायर, एक चार्ज वायर अपने ऊपर कोई ई नहीं लगाती, एक कोई पॉइंट चार्ज अपने ऊपर ई नहीं लगाता, पड़ोसियों पे लगाता है। तो यानी कि इस वायर पे अगर फोर्स निकालनी है, चार्ज इसका, लेकिन ई किसका, वायर नंबर वन का, वायर नंबर वन का चार्ज, इसका ई इसका खुद का नहीं, ई वायर नंबर वन का, तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसके ऊपर फोर्स अगर निकालनी है, तो चार्ज इसका
और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि हमें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो ऐसा बोले फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर वायर नंबर टू, और चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर वायर नंबर टू है कितना? लैम्डा टू। इसी को तो बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है? ई1 से। तो क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये तो किया मैंने, देखो फोर्स पर यूनिट वायर, वायर नंबर किसका निकाला? टू का। तो ई किसका यूज किया? वन का। और चार्ज पर यूनिट लेंथ किसकी यूज की? वायर नंबर टू की। तो ई का फॉर्मूला वायर नंबर वन का पता है, लैम्डा टू वायर नंबर टू का पता है आंसर। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? और आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको बॉक्स में डाल लो और रिमेंबर एज अ फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स हैं विद डेंसिटी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, तो आपको उनके बीच में अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। क्या फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon naught 2 λ1 λ2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डी। सही है ना फॉर्मूला? जैसे Q1 Q2 बाई R करते हैं, ऐसे λ1 λ2 डिवाइडेड बाई डी। तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर कैसे बनाया मैंने आपको बता दिया, पर अगर आगे से आएगा न्यूमेरिकल तो सीधा λ1 λ2 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला नोट कर लेना रजिस्टर पे घर जाके। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ओके। फिर इनफाइनाइट वायर, यानी कि पूरी शीट ही किसके ऊपर बेस्ड है? इनफाइनाइट वायर के ऊपर ही बेस्ड है। फिर से एक बार, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टल 4 meter अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये छोटी सी अर्थ है और ये बड़ी सी वायर है। अर्थ के ऊपर एक वायर बना दी मैंने जो कह रहा है कि अर्थ के ऊपर है और 4 meter ऊपर है। ये लो 4 meter ऊपर बना दी। डायग्राम समझ में आ रहा है? अर्थ के 4 meter ऊपर वायर बना दी। इट कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 microcoulomb per centimeter। ये आपको ना बताएगा नहीं क्वेश्चन पूछने वाला कि बच्चों मैं तुम्हें लैम्डा दे रहा हूँ, ये लो लैम्डा लो। तो अच्छा लैम्डा का क्वेश्चन, इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्लियर है? तो लैम्डा कितना है? 1 microcoulomb per centimeter। भाई अब इसको आपको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। इसके अंदर लैम्डा किया हुआ है यार, ये देखो किया हुआ है। ये देखो लैम्डा की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है? लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1 microcoulomb per centimeter, पर हम इन यूनिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। microcoulomb को किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। तो microcoulomb को किस में कन्वर्ट किया? कूलम में, 10^-6। सेंटीमीटर को मीटर में सॉल्व किया तो ये लैम्डा आएगा कूलम पर मीटर में। तो आपको निकालना पड़ेगा कूलम पर मीटर, कोई डाउट इसमें? तो लैम्डा की वैल्यू आ गई इसमें। तो ई की वैल्यू, हाँ मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली बिलो द वायर। तो इस वायर के नीचे 4 meter नीचे ई निकालना है आपको। इस वायर के 4 meter नीचे आपको क्या निकालना है? ई निकालना है, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught λ2λ/4। तो 1/4 pi epsilon 2λ/4 आंसर। अर्थ क्यों दी? मुझे पता नहीं आया, समझ नहीं आया अर्थ देने की जरूरत क्या थी। ऐसे ही पूछे था, एक वायर है इनफाइनाइट, 4 meter नीचे मुझे E निकाल दो। तो मैं वेट कर रहा था कि शायद अर्थ के बारे में कुछ गिवन होगा, कुछ लगेगा, कुछ भी नहीं लगा। अर्थ का कोई काम नहीं है इसमें, वायर के 4 meter नीचे E निकालने को बोला, बात खत्म। क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज।
ओके, कितने लोगों को समझ में आया? ये आ गया समझ में? अ पार्टिकल जिसका मास 5×10⁻⁶ ग्राम इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट, तो शीट का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट शीट है, तो शीट एक पॉजिटिव शीट है, और पॉजिटिव मुझे कैसे पता लगा? चार्ज डेंसिटी क्योंकि पॉजिटिव है, और कूलम पर मीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि शीट के ऊपर क्या यूज होता है? लैम्डा नहीं, शीट के ऊपर सिग्मा, राइट? सिग्मा, क्लियर है यहाँ तक? तो शीट के ऊपर क्या यूज होगा इसमें? सिग्मा। तो आपको सिग्मा गिवन है, कह रहा है एक चार्ज है, बताओ कितना चार्ज इस पे दें, क्यू पॉइंट चार्ज कितना हो, सो दैट जब इसको हमने रिलीज किया ये रेस्ट पे रहे। अब ये रेस्ट पे क्यों, ये बॉडी, ये चार्ज नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट mg। क्यों नहीं नीचे गिरेगा? जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो कितनी फोर्स से रिपेल करेगा? ये शीट यहां पर क्या लगाएगी? e। तो q into e फोर्स कहां लगेगी? ऊपर, रिपल्शन। और q ही अगर mg के इक्वल हो जाए तो पॉइंट चार्ज नीचे नहीं गिरेगा। अब शीट e लगाती कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट की थिन शीट, तो कुछ गिवन ना हो तो थिन शीट किया था लास्ट टाइम, थिन शीट, तो क्या यूज होगा इसमें? q into sigma by 2 epsilon naught is equal to mg। सारी वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा पता है, सब कुछ पता है, q नहीं पता, q कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, सुमित क्लियर है? अन्य, रोहन? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है, कैमरा ऑन नहीं किया आपने? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, अब मुझे फील आ रहा है जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहा है, तो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन रो यूज होगा, रो यूज होगा इसमें, ठीक। वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, इसका मतलब चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भरने का मतलब ये क्या वॉल्यूम है? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टर के ऊपर तो चार्ज अंदर रहता ही नहीं, तो बाहर आ जाता है। कंडक्टर के अंदर हमेशा ई जीरो रहेगा, चाहे वो खाली है चाहे वो भरा हुआ है, क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा तो ई कहाँ से आएगा, ठीक। खाली है तो वैसे ई नहीं होगा, भरा हुआ है भर सकता नहीं है तो भी ई जीरो ही होगा, ठीक है यहाँ तक? तो बढ़िया रिजल्ट है, कंडक्टर के अंदर जाओगे ढूंढोगे ई क्या है, ई क्या है, कुछ नहीं मिलना आपको, क्योंकि वहाँ चार्ज ही नहीं मिलेगा तो ई कहाँ मिलेगा, सारा ई सरफेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर ई होगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज स्टे करता है। तो क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर डेंसिटी रो है, तो मतलब मैं दिखा नहीं रहा पर मैंने यहाँ दिखाया, इसके अंदर चार्ज ही चार्ज है, पॉजिटिव 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 भरा हुआ है। दो सिलेंडर क्यों बनाए बताता हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? यहाँ निकालना है। इन साइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्स डिस्टेंस दूर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? ई की वैल्यू बतानी है, राइट। तो इसमें ना तो ई डॉट डी एस लगना है क्योंकि एक ई तो है ही नहीं, चार्ज तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ही है इसमें, जो चार्ज है वो तो पूरे का पूरा चार्ज ही चार्ज है इसके अंदर, तो मैं ई डॉट डी एस वैसे भी लगा नहीं सकता, और ना ही इसमें गॉस थ्योरम लगने वाली है, क्योंकि गॉस थ्योरम आपको फ्लक्स निकाल के देती है, ये थोड़ा निकाल के देगी। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसके अंदर जहां ई निकालना है वहां क्या लेनी पड़ेगी? एक गॉसियन सरफेस। अब एक्स डिस्टेंस दूर राइट भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, गॉसियन यहां ले लो, यहां निकाल सकते हो, गॉसियन यहां ले लो, यहां निकाल सकते हो, गॉसियन यहां ले लो, यहां निकाल सकते हो, गॉसियन यहां ले लो। तो आप सोचो इस एक्सिस के एक्स डिस्टेंस दूर इधर 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 आप गॉसियन लेते हो, सभी गॉसियन को मिलाते हो तो इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक सिलेंडर बनेगा ऐसा, इसके अंदर ऐसा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो गॉसियन सरफेस में जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो इसके इनसाइड बनेगी जहां मुझे ई निकालना है, पहला रूल क्लियर है। अब ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर जा रहे हैं हम, और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सॉलिड के अंदर ही लिया हमने। डीएस सेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे होगा, डीएस सेक्टर बाहर है,
और ई वेक्टर भी बाहर है, प्लस वन रखोगे तो प्लस प्लस, वैसे भी पॉजिटिव चार्ज बाहर लाइंस निकालता है, अंदर तो भेजेगा नहीं, बाहर ही निकालेगा, तो ई और डीएस में एंगल क्या होगा, जीरो, राइट। तो मैंने ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ भी किया हुआ है, ये देखो। तो ये आपके सामने ब्लू कलर का एक्चुअल सिलेंडर है, रेड कलर की इसमें गॉशियन सरफेस है एक्स रेडियस की, क्योंकि एक्स रेडियस का सिलेंडर बनेगा इमेजिनरी, ई और डीएस में एंगल जीरो, और लिखा हुआ है रेड कलर में दिस इज अ गॉशियन सरफेस। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो रूल क्या है, गॉशियन सरफेस मिल गई तो ई डॉट गॉशियन सरफेस का क्या निकालते हैं, फ्लक्स, कैसे, ई डी एस स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई डी एस कॉस जीरो, ठीक। टोटल फ्लक्स कैसे, इंटीग्रेशन ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इस रेड कलर का सरफेस एरिया क्या आएगा, डी एस डी एस डी एस सरफेस एरिया क्या आएगा, इसका रेडियस एक्स है और इसकी लेंथ एल है, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, टू पाई एक्स इंटू एल। कोई डाउट इसमें, तो सरफेस एरिया पुट कर दिया टू पाई एक्स इंटू एल, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब गॉस क्या कहता है, ये करने की जरूरत क्या थी, मेरे से पूछ लो मेरा गॉशियन सरफेस क्या है, आपने कहा ये लाल रंग का है, तो बोलो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मैंने कहा इसके अंदर चार्ज निकालना है, इसके अंदर चार्ज मैं निकाल देता हूँ, इसके जो इनसाइड का चार्ज है वो ये शेडेड चार्ज है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या यूज करते हैं, रो, तो अगर मैं रो को मल्टीप्लाई करूं इस शेडेड वॉल्यूम से, तो शेडेड वॉल्यूम का क्या जाएगा, चार्ज। तो शेडेड वॉल्यूम का, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, पाई एक्स स्क्वायर एल, क्योंकि शेडेड पोर्शन का रेडियस कितना है, एक्स, तो वॉल्यूम कितना है, पाई एक्स स्क्वायर इनटू एल। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसलिए आप चेक करें, तो ये फाई की वैल्यू क्यू इनसाइड में रो इनटू पाई एक्स स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट इक्वेट करके आंसर बस हो गया, डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक, बोलो, हाँ, टू पाई यहाँ पर एक्सएल आएगा, हाँ सही है, ये करेक्शन है, यहाँ पे टू पाई एक्स इंटू एल आएगा, राइट, फिर गलत हो गया आंसर तो यार, ये नहीं, हाँ ये गलत आएगा यार, ये ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, या ना फिर से लिखते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, ई इंटू टू पाई एक्स इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू आएगी रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अब ठीक है आंसर ये लिखो, ये सही है, ठीक है ना, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक। ओके, नेक्स्ट, मिलता जुलता, फिर से अच्छा लिख रहे हो, लिख लो, ओ पता नहीं कहाँ क्या आ गया, 15 ये लो लिख लो, तो इसे ये क्रॉस कर देना और इसे इक्वेट कर लेना, तो ये वैल्यू कितनी है ऊपर, ये रहा ई इंटू टू पाई एक्स एल इज इक्वल टू रो पाई एक्स स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, बस कैंसिल कर लेना, एक्स से एक्स कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ई क्यों लिख लेना रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन नॉट, डन, ठीक है। कोई डाउट इसमें,
ओके नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन खुद करो एक बार, मैं हिंट देता हूं आप खुद करना, पहले हिंट सुन लो। क्वेश्चन है कि कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटीरियल ऑफ अ होलो स्फेयर। ये स्फेयर एक खाली स्फेयर है, एक स्फेयर खाली है, तो आपको ये खाली है तो फिर क्यू चार्ज कहां पर है? ये डॉट 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 क्या है? इसकी थिकनेस है। जैसे मेरा हाथ एक स्फेयर है तो ये थिकनेस है इसकी, तो अंदर से खाली है, ये यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है, कहाँ पे? उसके अंदर वॉल्यूम वाइज। तो नॉन कंडक्टिंग ये होगा, कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनर एंड आउटर रेडियस आर वन आर टू गिवन है। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, सेंटर से एक्स दूरी पे आपको ई निकालना है, वेयर एक्स आर वन से बड़ा है और आर टू से छोटा है। ओके, आर वन से बड़ा है आर टू से छोटा है, तो कहीं यहां कहीं होगा, ये पॉइंट हुआ। क्या है पॉइंट, सबको क्लियर है? ये लो, हाँ ये ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो इसके अंदर आर वन से बड़ा और आर टू से छोटा है, राइट, ये एक्स है, ठीक है। रूल नंबर वन, जहां पे आपको ई निकालना है, यहां निकालना है, तो यहां क्या लेंगे? गॉशियन सरफेस। अब एक्स डिस्टेंस दूर ये, एक्स डिस्टेंस दूर ये, तो सारी ऐसी गॉशियन सरफेस को मिला लेंगे, तो मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फेयर। अब पता नहीं आप ई लेंगे, डीएस लेंगे, फिर ई डॉट डीएस से इसका फ्लक्स निकलेगा, तो इमेजिनरी सरफेस का फ्लक्स निकलेगा, फिर गॉस थ्योरम लगेगी, इक्वेट करेंगे और ई आएगा। दो मिनट प्लीज ट्राई करो, खुद ट्राई करो। तो देखो इसमें क्या किया आपने, आपने इसमें ये ds लिया, ds वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही प्रोड्यूस होगा, e और ds में एंगल क्या होगा? जीरो। क्या पॉइंट क्लियर है? तो फिर ये गॉशियन सरफेस है, ये आपकी गॉशियन सरफेस है इमेजिनरी। इस गॉशियन सरफेस में e डॉट ds की इंटीग्रेशन आपको क्या देगी? फ्लक्स, ठीक है ना, तो ये डी फाई आ जाएगा, तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी? ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो। टोटल फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। क्या पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस में? गॉशियन सरफेस का एरिया क्या होगा रेड कलर का? 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां तक किया सबने? देखो ये देखो, तो मैंने x डिस्टेंस पे गॉशियन सरफेस ली, ये
रेड कलर की गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और इसका ई डॉट डी एस निकाला, तो क्या निकाला, ई डी एस कॉस जीरो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और रेड कलर की सरफेस एक स्फेयर है इमेजिनरी, तो इसका एरिया क्या होगा, 4π x2। इक्वेशन में वन क्लियर है। अब गॉस क्या कहता है कि ऐसा करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, तो आप मुझे बताओ कि क्या इसमें वैल्यू निकालनी है फ्लक्स की, तो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, देखो तो हॉलो है बीच में, तो अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज है क्या, पॉइंट क्लियर है, तो अंदर ये चार्ज शेडेड चार्ज देख रहे हो राइट, यही चार्ज होगा इसमें, तो इसका जो अंदर का चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज कैसे निकलेगा, ये चार्ज निकलेगा क्योंकि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर वॉल्यूम, तो क्या यूज कर रहे हैं इसमें, रो, रो का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, तो रो को किससे मल्टीप्लाई करें, इस शेडेड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो शेडेड पोर्शन का चार्ज आ जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। सिग्मा तब यूज करते हैं जब थिन शेल होता है और चार्ज सरफेस पे होता है, ये थिक शेल है और नॉन कंडक्टिंग है, मोटा शेल है नॉन कंडक्टिंग है, अंदर चार्ज है सरफेस की जो बाउंड्री है उसके अंदर, ये देखो ये उंगली है मोटी है, अंदर चार्ज भरा हुआ है, समझ आ रहा है यहां तक, तो इसमें इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, क्लियर है, तो इसमें चार्ज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है इसमें, इस पोर्शन की जो मैं शेड कर रहा हूं, इस रो इज इक्वल टू रो इंटू शेडेड वॉल्यूम राइट, तो ये शेडेड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास इसमें चार्ज, शेडेड वॉल्यूम कितना है 4/3, आउटर ये रेड कलर का स्फेयर का वॉल्यूम माइनस अंदर के स्फेयर का वॉल्यूम, ये देखो इन दोनों वॉल्यूम को माइनस करें यानी कि 4/3 π × x³ − 4/3 × π × r(1)³, क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, तो ये देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो ये वॉल्यूम समझ में आ रहा है, तो मेरे को ये शेडेड वॉल्यूम निकालना है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पोर्शन का क्या जाएगा, चार्ज आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, तो इस पोर्शन का चार्ज आ जाएगा, ये देखो तो फ्लक्स आ गया, तो यहां से फ्लक्स और यहां का फ्लक्स इक्वेट करके क्या आ गया, ई आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि रो तो गिवन नहीं था, रो तो मैंने खुद एज्यूम किया था, तो गिवन क्या था, गिवन इसमें टोटल चार्ज है, इसमें क्या गिवन है, ये पूरे डॉट 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 पे टोटल चार्ज क्यों गिवन है, तो अगर टोटल चार्ज है तो रो निकल सकता है, बोलो इसमें रो होगा क्या, इस पूरे स्फीयर का रो क्या होगा, चार्ज कितने वॉल्यूम के ऊपर पड़ा हुआ है, ये आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम यानी कि 4/3 π r² − 4/3 π r³, क्या स्टेप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो यहां से क्या जाएगा, रो आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, तो रो मैंने अपनी कन्वीनियंस से ले लिया पहले, फिर लेकिन मैंने क्योंकि अपनी कन्वीनियंस से लिया, रो गिवन तो था नहीं, रो गिवन होता तो आंसर ही आ गया था, पर रो नहीं गिवन कोई बात नहीं, हम रो निकाल लेंगे कि कितना चार्जर कितने वॉल्यूम के ऊपर है, तो इससे ये देखो ये टर्म आ गई हमारे पास, और रो की जगह मैंने पुट कर दिया टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, कि क्यों चार्ज इतने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो रो की जगह यहाँ वैल्यू पुट करके कैंसिल करके जो बचा वो आंसर, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे ई निकाला, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, तो प्रैक्टिस है थोड़ी सी ज़्यादा, इतना देखो मुझे इतना पता है कि इतना मुश्किल नहीं है, प्लस वन के अंदर कुछ चीज़ें थी रोटेशनल न्यूट्रिशनल में थोड़ा सा लगता था कि हाँ ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इकट्ठे लगते थे, फ्रिक्शन भी लग रही है, फोर्स भी लग रही है, टॉर्क भी लग रहा है, ये मुझे लगता है कि फिर भी एक लीनियर अप्रोच फॉलो करता है, कि पता है कि फ्लक्स है तो फ्लक्स ही लग रहे हैं, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है, 15 शीट के बाद 16 नंबर शीट।
तो इस शीट में क्वेश्चन है कि आपको ना कुछ एक एस स्फेयर गिवन है, एक एस डैश स्फेयर गिवन है, एक एस गिवन है, एक एस डैश गिवन है। एस के अंदर चार्ज कौन से गिवन है, क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, एस डैश के अंदर क्यू। क्या निकालना है, गिवन दैट फ्लक्स थ्रू एस डैश, एस डैश का फ्लक्स फोर टाइम्स एस के फ्लक्स के इक्वल है, तो एस डैश का फ्लक्स और एस का फ्लक्स एस डैश का चार गुना ज्यादा है एस से, गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है, और आपको क्या गिवन है, क्यू वन गिवन है, क्यू टू गिवन है, क्यू थ्री गिवन है, और रेडियस ऑफ इनर शेल और आउटर शेल भी गिवन है, ठीक है। तो कोई बताएगा कि एस डैश का फ्लक्स क्या होगा, एस डैश का फ्लक्स क्या होगा, खुल के बोलो, दबके क्यों बोल रहे हो, गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा ना गलत है, नेक्स्ट। क्यू इनसाइड क्या होगा, एक इनसाइड बोलो क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू, एस डैश की बात हो रही है, तो एस डैश के अंदर सारे चार्ज आ गए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एस का फ्लक्स क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पुट कर लोगे तो लो पुट कर लो, ओ पुट क्या करना, सॉल्व करो, अनसॉल्व है यार, अपना हाथ चलाओ और आंसर निकालो, अच्छा अनसॉल्व है, करो सॉल्व, आंसर निकालो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो,
आंसर। देखो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेना, ऑनलाइन वालों को आ गया आंसर, तो फ्लक्स एस डैश का 4 टाइम फ्लक्स एस का, तो एस का क्यू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज 4 इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो, तो यहाँ से इक्वेट कर लेना, ब्रैकेट लगाना ताकि मल्टीप्लाई 4 जो है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू पुट कर लेना क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री की, तो यहाँ से कैपिटल क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड क्लियर है सबको? मैंने भी तो वही किया है, एस डैश का फ्लक्स इज 4 इंटू, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों कैसे कर सकते हो यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो, पहले थोड़ा कैलकुलेशन डालनी है वैल्यू, फिर तो दो दो चार चार बार कैलकुलेशन होंगी, पहले सारी वैल्यूज देख लो, फिर उसके बाद इसे देख लो कि q प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। अब मैथ्स के स्टूडेंट तो ये कहते हैं ना, ये माइनस होगा उधर जाके तो 3 टाइम ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जब माइनस होगा तो 3 इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री हो जाएगा, तो आंसर आ गया क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री पता पुट करके 3 से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इजी करो ना, किसका कुछ भी काम नहीं है, गॉस ने कहा ही नहीं, जितना मर्जी बड़ा फेयर हो तुम देखो, कुछ ही चाहिए, रेडियस चाहिए ही नहीं, फ्लक्स क्या है क्यूब एप्सिलॉन नॉट चाहिए ही नहीं, गॉस के अलावा है ई डॉट डी एस। जब एक क्लोज बॉडी वो दे रहा है और अंदर अच्छे भले वो चार्ज दे रहा है और वो कह रहा है चार्ज ले लो बाय एप्सिलॉन करके फ्लक्स निकालो, इससे आसान और क्या तरीका होता है, कोई भी नहीं, ये तो करना ही नहीं चाहिए कोई और तरीका यूज, ठीक है ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, बोलो, चार्जेस एज इट इज ऐड करने हैं, जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो माइनस, तो जो ये नहीं है कि सारे प्लस चार्ज, अगर मान लो एक मान लो वन है और दूसरा माइनस टू, जब ऐड करेंगे वन माइनस टू प्लस 9.8, तो जो प्लस हो रहा है प्लस, जो माइनस हो रहा है माइनस। ई और एफ के क्वेश्चन में नहीं पुट करना चार्ज, और फ्लक्स में तो पुट करना है। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू, दो शेल्स हैं और आपको इनका फ्लक्स निकालना है, एस वन का मैं निकालूंगा एस टू का आप निकालना, ठीक। तो आपको ये रॉड गिवन है इसके अंदर, जिसकी डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब मैं क्या समझूं कि चार्ज इस रॉड के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स लेंथ, राइट। तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, के एक्स। यहां पर जो लैम्डा यूज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है इसकी, के एक्स। के एक्स समझते हो कि अगर एक्स इंक्रीज होगा तो लैम्डा भी इंक्रीज होगा, तो लैम्डा यानी कि कॉन्स्टेंट नहीं है, जब चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं होती ना तो इंटीग्रेशन के विचार आने चाहिए आपको फिजिक्स वालों को, यानी कि कुछ इंटीग्रेशन लगने वाली है कुछ ना कुछ, ठीक। तो आपको वो क्या लगेगी वो आप सोचेंगे, बट अभी के लिए वो कह रहा है कि इस केस में इसकी लेंथ एल है, चार्ज इसके लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा वो कह रहा है के एक्स है, एक्स इज द लेंथ ऑफ द वायर, और फ्लक्स निकालना है एस वन एस टू का। देखो जो S1 है उसका फ्लक्स तो बहुत ही क्लियर है, क्या इसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। S1 का फ्लक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हो गया एक आंसर। नेक्स्ट S2 का फ्लक्स क्या होगा, S2 का फ्लक्स होगा चार्ज Q प्लस चार्ज ऑन रॉड, जो भी ये रॉड है इसका चार्ज प्लस Q चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बोल रहा हूँ। जो S2 का चार्ज है उसमें दो चार्ज ऐड करने पड़ेंगे, ये पॉइंट चार्ज Q तो करना ही पड़ेगा, साथ में इस रॉड का भी चार्ज ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों का चार्ज का सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगर आप मुझे इस रॉड का चार्ज बता दो कितना है, आंसर आ जाएगा। तो रॉड का चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू रॉड की लेंथ। आप खुद सोचो, दो मिनट लगाओ और सोचो कि
कि रॉड का चार्ज क्या होगा. अगर आप रॉड का चार्ज निकाल दें आंसर आ जाएगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, एस वन एस टू का फ्लक्स तो समझ में आ रहा है कि कैसे लिखेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब मेन चीज़ क्या निकालनी है, इसमें रॉड का चार्ज क्या होगा. ठीक, देखो इसमें अगर आपको रॉड का चार्ज निकालना है, ये देखो रॉड का चार्ज कैसे निकालते हैं, पॉइंट को समझना. ठीक है, मेन देखो याद नहीं करना. दो केस आएंगे आपको हमेशा. पहला केस ये रॉड गिवन है, दूसरा केस फिर से रॉड गिवन है. पहला केस जिसमें चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा केस जिसमें चार्ज लेंथ वाइज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये लो, फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क है? इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम. ठीक है, दो ही कहते हो, दो ही चीज, या तो कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा. हम एक गो में ना चार्ज निकालना सीख लेते हैं, रोज रोज का काम नहीं होगा. ठीक, तो कब इंटीग्रेशन लगेगी कब नहीं लगेगी ये आपको तरीका बता देगा. तो मान लो रॉड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है. ठीक, और इस रॉड में लैम्डा कॉन्स्टेंट है 20 कूलम पर मीटर. ठीक है, गिवन है ये, तो लैम्डा इस पे कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरा केस, लेंथ इसमें रॉड की 10 मीटर गिवन है, लैम्डा इसमें के इनटू एक्स है. अब देखो एक्स आ गया ना, वेरिएबल है. तो आप ये बताओ कि अगर आप ये ओरिजिन है, मान लो एक्स इक्वल टू जीरो है, और ये लेंथ कितनी है, एक्स इक्वल टू एल है, तो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्स की वैल्यू इंक्रीजेस, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीजेस. कोई डाउट इसमें? एक्स बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, अगर तो लैम्डा कांस्टेंट है और आपसे कोई पूछे चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं करना, लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दो, डन. कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. तो चार्ज क्या आएगा इसमें, लैम्डा का मतलब 20 और लेंथ का मतलब 10, तो 20 का मतलब कूलम पर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम में आंसर, डन. सही है, लैम्डा कांस्टेंट है फिर तो बात खत्म, सही हो गया. पर अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें इसके अंदर आपको इसका एक एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा dx, और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे लेना पड़ेगा, x. नोट कर सकते हो इसे, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना है.
ये मैंने लिखा कि एक्स है ना, तो एक्स पे हमने डी एक्स ले लिया स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो जब लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा ना, तो आपको इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे आप, ये जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे ना, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल चार्ज निकाल लें। स्मॉल चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है इसकी, डी एक्स। और ये क्योंकि एक्स दूरी पे एलिमेंट है, तो यहां पे ये जो एक्स दूरी पे एलिमेंट है ना, ठीक, तो एक्स दूरी पे एलिमेंट है, तो यहां पर लैम्डा के इंटू एक्स, क्योंकि ऑलरेडी कितनी दूरी पे है ये, एक्स, तो लैम्डा एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक्स दूरी पे लैम्डा कितना है, के इंटू एक्स, ठीक है। यहां तक तो यहां पर डी क्यू आ गया, तो स्मॉल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इंटू डी एक्स। स्मॉल चार्ज विल बी इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या, के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। टोटल चार्ज क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां बोलो। अब लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की। तो पहला एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो सारा चार्ज मिलाना पड़ेगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, और आखिरी एक्स की वैल्यू कितनी है, एल, तो कितना होगा, जीरो से लेके एल। कोई डाउट इसमें, टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो के यहां से कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से लेके एल, तो इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, लैम्डा कॉन्स्टेंट हो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना, मल्टीप्लाई करो आंसर। पर आपको लैम्डा कांस्टेंट दे कौन रहा है, आपको लैम्डा हमेशा नॉन यूनिफॉर्म गिवन होगा, क्योंकि आपसे एक स्टेप एक्स्ट्रा ही तो है, क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा लैम्डा कांस्टेंट नहीं देगा, अपने को आ गया। रो कांस्टेंट नहीं देगा, सिखा दूंगा। सिग्मा कांस्टेंट नहीं देगा, वो भी सिखा दूंगा, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर दे ना दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन सारे के सारे मेथड ही करके जाएंगे। अगर दोनों एक साथ हो तो कोई बात नहीं, जिसका तो कांस्टेंट है तो उसको तो ऐसी निकाल लेंगे लैम्डा इनटू एल करके, जिसका कांस्टेंट नहीं उसको अलग निकाल के ऐड कर देंगे टोटल चार्ज। अब ये भी हो गया, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अब इसमें ऑनलाइन वालों क्लियर है ना, आंसर निकाल लेंगे अब इसका। तो हिंट क्या, पूरा पर्ची लिख के दे दी, अब तो पर्ची में देखना ही तो है, तो बताओ इसका आंसर लिखो, इसमें करना क्या है। तो S2 का जो फ्लक्स है, S2 का फ्लक्स विल बी इक्वल टू, फ्लक्स ऑफ S2 विल बी इक्वल टू चार्ज Q प्लस, Q प्लस चार्ज ऑन रॉड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 will be equal to Q plus charge on rod, हमने निकाला कैसे, charge on rod के लिए याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, ये dx है, इसका element लिया था, क्या किया था, k into x into dx, यही था ना, 0 से L तक यही किया था ना charge, आखिरी step अभी जो पिछले board पे कर रहा था यही था ना, मैंने lambda की value k into x ली थी, यही यही था ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया था, k इंटू इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू जीरो से लेके l तक, यहाँ तक मैंने कर दिया था, लिमिट पुट कर लो l स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, तो क्या आएगा, k इंटू l स्क्वायर बाई टू, चार्ज आ गया, तो पुट कर दो k इंटू l स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर। समझ में आया यहाँ तक, पॉइंट क्लियर है कि आंसर क्या होगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स की पावर वन है तो पावर ऐड नहीं हो जाएगी, तो एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, कर रहे हो प्रैक्टिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट है कल, ऑब्जेक्टिव संडे को, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज नॉर्मल, मतलब जितना नॉर्मल कुछ नहीं,
मैं अब कोई रिस्क नहीं लेता कुछ ना बोल के, डायपोल भी आएगा, वर्क डन भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, बी चैप्टर पूरा आएगा। तो आप रिवाइज करें पूरे, कितना की है वो 10-15 शीट्स की होंगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आधे क्वेश्चन पॉइंट चार्ज पे ही होंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है। पर रिंग, डिस्क, डिस्क नहीं कहूँगा, रिंग तो होगी, रिंग का रिजल्ट, रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे। लॉगिन लास्ट टाइम नहीं मिला था लॉगिन आईडी आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए? एक बार का थोड़ा ना होता, वो तो परमानेंट है पूरे साल का। तो अभी जाते हुए देखते हैं क्या होगा, कितने बजे होगा वो देख लेंगे यार, स्लॉट दे दूंगा कोई भी। कितने बजे केमिस्ट्री और मैथ्स का टेस्ट है आपका? दोपहर के आसपास ही रखेंगे, कोई बात नहीं। अगर क्या, हाँ पता है मुझे, क्या कर रहे हो, देखते हैं कितने बजे। ओके क्लियर है यहाँ तक? ये अब चलता रहेगा। एक काम करते हैं हम ना, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव शीट दी थी उसके ऊपर आ जाते हैं। नाइन नौ नंबर शीट देखो जरा, शीट नंबर यही थी ना नाइन, हाँ यही था पहला क्वेश्चन। ओके कितने लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन, कितनों ने ट्राई की है शीट, ट्राई की है? ओके जो सब्जेक्टिव शीट है जो दी थी होमवर्क, उसके तो डाउट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आज जो मैंने शीट करवाई है वो उसी की एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी। तो सब्जेक्टिव में तो दिक्कत नहीं, फिर भी मैं खोल के दिखा दूंगा आपको इस शीट के बाद, एक बार इस शीट से ट्राई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके कितने लोगों को डाउट है इसमें, डाउट डाउट पूछो। ई डॉट डी एस क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू में डाउट है, टू टू क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, थ्री में डाउट है। पॉइंट चार्ज क्यू को रखा गया, ये क्यू, ये रहा क्यू, ये रहा क्यू और ये रहा क्यू, वो क्या पूछ रहा है कि ये एक सिलेंडर है विद ओपन एंड, खुला है। देखो मैंने बोला था ना, बंद है तो बात अलग है, खुला है तो बात अलग है। बंद है तो दो बार लाइन कट करती हुई मानेगी, ओपन है तो एक एक ही बार मानेंगे, ठीक है। और ये सब इसका ओपन एंड है, ये इसका बेस गिवन है। क्या निकालना है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्लक्स क्रॉसिंग टू सरफेस इज जीरो, तो किसमें जीरो है, तो इसमें विदाउट बेस नहीं, इसमें जीरो कैसे हो गया भाई, आज तो किया हमने, इसका नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ हाँ तो नॉन जीरो होना चाहिए, ये कट कर गया इसका जीरो, लेकिन यहां से जाएगा तो इसका तो नॉन जीरो हो गया ना, आज तो किया हमने हेमिस्फीयर का। अगर ओपन ओपन सरफेस है तो फिर तो उसका नॉन जीरो होगा, तो पहला नॉन जीरो होना चाहिए, सही है ना। अच्छा इसमें एक बार कट कर गया, दो बार कट कर गया, एंट्री पे भी और यहां पर भी, लेकिन ये देखो, ये देखो एंटर कर, देखो अगर ये क्लोज होता ना, फिर हर हालत में इसका फ्लक्स जीरो ही था, क्योंकि एंट्री पे और एग्जिट पे दो बार इससे कट करना था, समझ में आ रहा है यहाँ तक। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हुई, दो बार कट कर रहा है, पर इस केस में एक ही बार कट कर रहा है, एंटर तो कर गया, बाहर जाते हो ओपन सरफेस है तो नॉन जीरो। तो भी नॉन जीरो, अगर पूरी तरह बंद है सरफेस और चार्ज बाहर है तो वैसे भी चार्ज इनसाइड तो रहा ही नहीं ना, चार्ज इनसाइड क्या रहेगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओपन में पता है क्या प्रॉब्लम है, ओपन में पता नहीं कहां तक ये सरफेस जा सकता है, ओपन है ना वो, ओपन सरफेस पूरी, अब आगे जाके कोई चार्ज आ गया फिर ये भी मालूम नहीं है, तो बेसिकली ये कट करता हुआ आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बंद में नहीं होगा, क्लियर है यहां तक। इस केस में ऑब्वियसली ये चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इस केस में ये बंद सरफेस, देखो ये अब इसका नीचे का बेस बंद है और चार्ज कहां पर है, बाहर है, तो ये फ्लक्स जीरो देगा, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका डी आएगा, ठीक है। तो गलती से जीरो लिख दिया, यहां पर नॉन जीरो आएगा, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, ये वाला
क्वेश्चन फोर में लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लैम्डा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ ऑफ द वायर। तो कह रहा है ये देखो लीनियर चार्ज है, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब एंड स्फीयर, फ्लक्स निकालना है इसका और इसका क्या होगा। अब ये रॉड है, ये पूरी की पूरी रॉड है और ये एक क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी है चाहे असली है मुझे पता नहीं। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर इतनी रॉड फंस गई, ये फंस गई डायगोनल जितनी, और इसमें चार्ज प्रेजेंट है, बाकी चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो गया, तो इसका फ्लक्स क्या होगा। इसकी लेंथ क्या है, रूट थ्री है, डायगोनल क्या होता है क्यूब का, रूट थ्री है, को किससे मल्टीप्लाई किया लैम्डा, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, और कितनी लेंथ लाई करती है इसकी इस क्लोज सरफेस में, रूट थ्री है, तो लैम्डा इनटू लेंथ क्या आ गया इसका, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एक आंसर ठीक है। इसमें कितनी लेंथ बीच में रह गई, जितना इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है लैम्डा इनटू 2a, 2a का मतलब लेंथ है डायमीटर, तो लैम्डा को 2a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया इसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके बाद रेशियो निकालनी है, रेशियो निकाल लेना आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, 5 कैसे क्लियर हो गया, क्लियर है नहीं है क्लियर तो बोलो भाई, नहीं है क्लियर, डाउट है तो अच्छा ये देखते हो कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, अच्छा एक ने कर दिया कॉन्फिडेंस, दो, अच्छा दो ने पूछ लिया, फिर तीसरा कहता मैं भी, अच्छा एक ने भी नहीं पूछा, चल रहने दे यार छोड़ सॉल्यूशन देख लेंगे, ऐसे ना करो पूछ लो ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है सारा, ट्राई किया आप लोगों ने, यस ओके। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r, ये रहा 4r, अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क सेंटर से ऊपर, एज शोन इन सिचुएशन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज 5। तो क्या कह रहा है, ये जो डिस्क है ना ये नीचे पड़ी हुई है, तो q चार्ज हर तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और कुछ लाइंस किस में से पास हो रही है, डिस्क में से, कुछ लाइंस किस में से पास हो रही है, डिस्क में से, तो यानी कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो कह रहा है इस डिस्क का फ्लक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5 दे दिया उसने, 5 निकालने को नहीं बोला, पहली सिचुएशन क्लियर है, 5 दे दिया। आगे अब अगर नाउ द हेमिस्फीयर शेल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड, कह रहा है इस डिस्क को ना ढक दिया एक हेमिस्फीयर से, तो अब ये क्या बन गई, एक क्लोज्ड बॉडी, तो हेमिस्फीयर का मतलब शेल और डिस्क बन गया, यानी कि हेमिस्फीयर बन गया, क्यू चार्ज कहाँ रह गया, अब इस क्लोज बॉडी के बाहर, ये बाहर रह गया, ऐसा ही हुआ ना। तो आपको दो सिनेरियोस गिवन है, पहला क्यू चार्ज गिवन है, डिस्क का फ्लक्स 5 गिवन है, दूसरा डिस्क के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो इस हेमिस्फीयर के बाहर रह गया क्यू चार्ज, तो टोटल फ्लक्स हेमिस्फीयर का क्या आएगा, 0, टोटल 0, क्योंकि क्यू चार्ज तो बाहर रह गया ठीक है। क्या निकालना है, तो आपको यह बताना है कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इन सिचुएशन 2 इज व्हाट, ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या होगा ये आपको बताना है इस सिचुएशन में ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब सेकंड केस है, दूसरे केस में क्या ये क्लोज बॉडी है, डिस्क और शेल एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स क्या है, 0, शेल और डिस्क का क्या आएगा, 0, ऐसे ही है, शेल और डिस्क का क्या आएगा, 0, इसमें से डिस्क शेल का फ्लक्स क्या आएगा, माइनस डिस्क, और डिस्क का तो क्वेश्चन में गिवन था कितना, 5, तो शेल का कितना हो गया, माइनस 5, ताकि डिस्क का 5 शेल का माइनस 5, नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0 आंसर। पॉइंट समझ में आया कि कैसे सोच रहे हैं इसे, तो हर क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये एक नए टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें इस क्वेश्चन को कैसे करने समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर शोज
इन क्रॉस सेक्शन थ्री सॉलिड सिलेंडर्स, ये सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है सिर्फ उसका, सर्कल अंदर की तरफ है सिलेंडर, और लेंथ उसकी एल है, चार्ज क्यू है। कंसेंट्रिक विद ईच सिलेंडर इज अ सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस, ये जो बाहर की लाइन है ये गॉशियन सरफेस है इसकी, ठीक। रैंक द गॉशियन सरफेस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ग्रेटेस्ट द फर्स्ट, तो मुझे क्या रैंक करना है इसमें, गॉशियन सरफेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है, एट एनी पॉइंट क्या होगा, किसके ऊपर, गॉशियन सरफेस के ऊपर। आप बस मुझे ये बताओ, इस शेडेड पोर्शन सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ये रहा गॉशियन सरफेस, तीनों में वहीं की वहीं है, बाहर ही है, सिलेंडर के बाहर है। आप मुझे ये बताओ कि पहले केस में ये गॉशियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू। दूसरे में गॉशियन है, अंदर कितना चार्ज है, क्यू। तीसरे में गॉशियन है, अंदर कितना चार्ज है, क्यू। चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना, तो फ्लक्स तीनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स सेम रहेगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें रैंकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जब फ्लक्स सेम है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, तो अगर एरिया इस गॉशियन का सेम है तीनों में, तो ई की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। अगर एरिया सेम ना होता फिर ई सेम ना आता, क्यों, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो अगर डी एस चेंज होगा तीनों में, तो ई की वैल्यू भी तीनों में चेंज होगी, पर यहां पर गॉशियन सरफेस का एरिया तीनों में सेम है, तो ई की वैल्यू भी तीनों में सेम है। कैसे सोच रहे, समझ में आ रहा है आता? इस क्वेश्चन में डाउट सेवंथ में, सेवंथ में, ओके सेवंथ लास्ट है क्या ये, ओके सेवंथ, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको चार फिगर्स गिवन है, ठीक है, एक दो तीन चार सॉलिड स्फीयर गिवन है आपको, ईच विद चार्ज ऑफ क्यू। तो आपको सॉलिड स्फीयर गिवन है, कहां है सॉलिड स्फीयर, अच्छा ये रहा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर है, ये रेड कलर के सॉलिड स्फीयर्स हैं, थोड़ा क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिगर शोज पॉइंट पी, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट पी है, पहले केस में जो पी पॉइंट है वो इस सॉलिड स्फीयर के बाहर है, दूसरे केस में सॉलिड स्फीयर के ऊपर है, तीसरे केस में सॉलिड स्फीयर के अंदर है, चौथे केस में भी सॉलिड स्फीयर के अंदर है। पी पॉइंट चेंज हो रहा है ना, क्योंकि स्फीयर बड़ा हो रहा है, तो इस केस में तो सॉलिड स्फीयर के बाहर है पी पॉइंट, इसमें ऊपर है, इन दोनों में अंदर है, क्लियर है यहां तक। आगे सॉरी, आपको क्या रैंक करना है, स्फीयर्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे प्रोड्यूस एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कह रहा है कि इसमें कैसे चेंज होगी, रैंक करना है किसमें ज्यादा किसमें कम, किसमें ज्यादा किसमें कम, राइट। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो वन नंबर और टू नंबर की अगर हम बात करते हैं, वन एंड टू की, जो मैंने लिखा ये वन है और ये टू है, क्या फर्क है इनमें, इनके अंदर फर्क ये है कि ये स्फीयर छोटा है, ये स्फीयर छोटा है, और ये जो स्फीयर है ये वो स्फीयर है जिसकी सरफेस के ऊपर आपको ई निकालना है और जिसके थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक। फिगर पूरे स्केल में नहीं है वैसे, बता दूं मैं आपको, और मैंने भी ज़्यादा बेटर बनाई नहीं, तो बेटर ये ऐसे है कि ये जो दूरी देख रहे हो, ये दूरी, ये दोनों में एग्जैक्टली सेम है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक छोटा स्फीयर है एक बड़ा स्फीयर है, पर स्फीयर के सेंटर से वो दूरी एग्जैक्टली सेम है। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सरफेस के ऊपर पॉइंट है या बाहर है तो साइड डिस्टेंस सेंटर से है, तो 1/4πε³/r² स्फीयर के लिए लगता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर रो वाला फॉर्मूला नहीं आता तो ये तो याद ही है। तो ये फॉर्मूले में ना तो चार्ज चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, तो इनमें ई वन और टू में क्या होने वाला है, टाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पी कहां पर आ गया, उसके बाद पॉइंट पी
कहां पर आ गया? इसके अंदर आ गया, और फिर कहां पर आ गया? फिर इसके अंदर आ गया। अगेन सेम प्रॉब्लम है, पॉइंट पी जो इनसाइड इनसाइड आ गया। तो अब इस केस में अगर पॉइंट पी इसके इनसाइड आ गया तो ऑब्वियसली वैसे तो मुझे आंसर पता लग ही चुका है यार, ए आंसर है, वन और टू में टाई है। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? थ्री का। फिर नंबर किसका आता है? फोर का। उसका रीजन, नंबर देखो स्केल में नहीं आई है फिगर, थोड़ी सी स्केल में मतलब थोड़ा डायवेशन गिवन होती है ना, क्लियर हो जाता। तो इसकी दूरी, इसकी दूरी अगर मैं सोल्यूशन देखूं, थ्री के बाद फोर का नंबर है तो इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था? रो इंटू आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, याद है? अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालना हो तो वो शेल और सॉलिड स्फीयर के गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में लास्ट टाइम की थी। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब अगर आपको ये लगता है कि बराबर बराबर है फिर तो आप ई बराबर बोलोगे, पर क्योंकि वन एंड टू टाई है और मुझे आगे क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन थ्री में आर की वैल्यू इसमें थोड़ी ज्यादा है और फोर में आर की वैल्यू थोड़ी सी इसमें कम है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि आर की वैल्यू बता सकती है। एक और भी तरीका है, रो की वैल्यू। रो कैसे? देखो रो क्यों, मान लो आर सेम है, चलो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को आर का नहीं पता लग रहा, चलो आर सेम है, आर सेम है, आप ये बताओ कि इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर, ये स्फीयर छोटा है और ये स्फीयर थोड़ा सा बड़ा है, तो रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो एक का वॉल्यूम छोटा है तो रो इसका बड़ा है, इसका रो बड़ा है और इसका रो छोटा है, तो वैसे ही पता लग रहा है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है। अगर आर भी सेम है तो रो जिसका बड़ा है उसका ई भी बड़ा है। वैसे तो आंसर आ ही चुका है इन दोनों से, टाई से, पर इसकी एक्सप्लेनेशन में मिल गई, फिर थ्री का नंबर आएगा क्योंकि रो इसका बड़ा है और फिर फोर का आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? रो से समझ में आ रहा है? रो से ज्यादा बेटर है क्योंकि आर इसका आंसर दे ही नहीं रहा। कोई डाउट इसमें? तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे फ्लक्स की, अगली बार फ्लक्स का पक्का टेस्ट है, सब्जेक्टिव, रोज रोज नहीं चलेगा। जिस दिन व्हाट्सएप पे आ गया टेस्ट है तो उस दिन तो पक्का टेस्ट होगा ही होगा। तो कल का तो है ही ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, कल का सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बी चैप्टर का है। ट्यूजडे को सब्जेक्टिव एनसीईआरटी का, वो फिर मैं टॉपिक लिख के दूंगा क्या करके आने हैं। वैसे ओके, जा सकते हो।